स्कूबर में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। ये स्टोरी है ब्रीडिंग की। कई लोग कहते हैं कि हम जो कैनल दिखाते हैं उनके पीछे ना एक स्टोरी होती है हमेशा। ये स्टोरी यहाँ पर इस गांव में शुरू की थी मिस्टर राजनदीप जी से। इनका वैसे असली नाम जगनदीप है ना आपका। ये आपको अभी गौरव जोन की वीडियो में भी दिखे थे, बड़े फेमस व्यक्ति हो चुके हैं। सबसे पहले ये स्कूबर्स में आए थे, वजह से गौरव जोन जी आए थे हमारे पास वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक्स बोल रहे हैं स्कूबर जी का जिन्होंने हमको पहचान दी है। इतना ऑल इंडिया से हमको फोन आ रहे हैं, ऑल इंडिया क्या बाहर से भी आ रहे हैं डॉग्स के लिए, यहाँ तक कि पाकिस्तान वाले भी फोन कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन हम फोन उठाते नहीं। अब ये मैं आपको इनकी स्टोरी बताता हूँ। इनका बेसिकली काम क्या है ये आप सभी देख रहे हैं। ये कोई इनका ब्रदर नहीं है, कोई इनका चाचा नहीं है, कोई इनका ताया नहीं है। एक्चुअली ये सभी एक गाँव से है। गाँव का नाम क्या भैया? पराड़ीवाल। हाँ। ये अमृतसर के नज़दीक एक गाँव है पराड़ीवाल, और इन्होंने ये नशे से बचने के लिए सभी युवाओं को काम पर लगा दिया कि ब्रीडिंग पर कर दिया, रोज़गार भी मिल गया और शौक जब हो जाए सुबह शाम का तो डॉग आपको पता ही है फिर बंदा नशे की तरफ तो वैसे नहीं जाएगा। यही सोच थी आपकी वैसे? देखो जी सुबह उठना उठ के इनको हमको टेंशन होती है, इनको खाना डालना है, खाना पीना डालना है, खाना पीना डाल के इनको घुमा के लेके जाना है। जब तक फ्री होते हैं तब तक फिर इनका शाम का टाइम हो जाता है खाना पीने डालने का, फिर वही तो बंदा नशे में कहाँ जाएगा, नशे में कहाँ जाएगा टाइम, इधर तो अपने खाने के लिए टाइम नहीं होता, नशा कहाँ करना है। और दोस्तों ये इनमें से ज़्यादा स्टड है। अगर मैं पूरे गाँव को इकट्ठा, मेरी कोशिश यही थी कि पूरे गाँव के आज डॉग दिखाए जाएँ। और ये जो गाँव है ये पूरा बुली के नाम पर भी मशहूर है। अगर आप अमृतसर से पूछना कर दोगे बुली वाला गांव कहां पर है तो आपको यहां पर पहुंचा भी सकते हैं। ये राजन के घर जाना, उसको ये नहीं पता राजन का घर कौन सा, उनको पता अमेरिकन बुली जिनके पास बुलेट डॉग है उनका घर कौन सा है। हाँ ये बुलेट है, ये इसने इनको इसने ही नाम किया सब। ये बुलेट है जो हमने पहले भी वीडियो में दिखाया है। अच्छा गौरव जोन भी आपके इसी कारण इसी कारण आए थे, स्कूबर से देख के आए थे। उन्होंने फोन किया अमृतसर आके, उन्होंने फोन किया था हमको वीडियो बनानी, मैं आ जाओ कोई बात नहीं। उस दिन बारिश थी इसलिए अच्छी वीडियो नहीं बनी। दोस्तों एक एक करके तो इनका नाम बताएंगे ही, लेकिन एक ये भी होना चाहिए, ये भी एक मैसेज है दुनिया को, अगर आप नशे की तरफ भाग रहे हो तो एक डॉग पाल लीजिए, आप सुबह शाम बिजी हो जाएंगे। ठीक है, डॉग पालो जो भी दिखने में भी अच्छा लगे, ये नहीं भी लोकल सा ले लेना अच्छे। चलो एक बार पैसे लगते हैं, 14-15 साल अपना फैमिली मेम्बर की तरह रखना है इसको। अच्छा मैं एक इनकी कॉपी भी देख रहा था आपकी, जहाँ पर आपने बताया इनके पास 45 फीमेल्स हैं एक ही गाँव में। इन्होंने हर गाँव के लोग को एक एक दो दो फीमेल दी हुई है। ब्रीडिंग से पैसा जो आता है उनका, चलो हेल्प भी होती है, अपने घर में खुश रहते हैं वो, है ना। देखो अभी ये बच्चा स्कूल से आया है। हाँ ये भी स्कूल से, इसके पास दो फीमेल हैं, स्कूल से आया है, स्कूल से सीधा इधर आ गया, इसको ये अभी हाँ मेरे को स्कूल से आ गया हूँ, अभी मैंने फ्री नहीं जाना, अपने डॉग पे ध्यान देना है, काम करेंगे कुछ ना कुछ आएगा भी, एक शौक भी पूरा होता है इनका, तो बाकी घूमने फिरने कहीं ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में मस्त रहते हैं जी। राजनीति जी खेती तो आपकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मैंने देखा, काफ़ी जगह भी अच्छी है आपके पास, और खेतीबाड़ी में टाइम तो चलो वही होता है, खेतीबाड़ी में टाइम देते हैं हमारे सिमरनजीत सिंह, ये इनके भाई साहब हैं, ये खेतीबाड़ी में भी ध्यान देते हैं दोनों हैं, ये फादर उनके फादर हैं, ये बेटा है उनका साथ में। हाँ ये दोनों खेती में पूरा दिन अपने लगे रहते हैं, खेती इनके भैंस भी है साथ में। हाँ भैंस सारा कुछ, दूध का भी काम है इनका, जैसे गांव में होता है कि हर बंदे का अपना कोशिश होती है हर चीज़ घर से मिल जाए, खेतीबाड़ी से चलो सब्जी वगैरह भी आ जाती है डेली का, और साथ में देखिए ये हेल्प भी करते हैं ब्रीडिंग में, ब्रीडिंग में पूरी हेल्प है और मीटिंग वगैरह करके बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, पूरी सपोर्ट है इनकी हमको। और एक बंदा पूरा इतने डॉग्स को नहीं रख सकता है। हाँ जी इनकी देखो इधर फीमेल्स में आपको दिखाऊंगा, अभी अभी थोड़ी वो प्रेग्नेंट है कुछ है, नहीं दिखा सकते कैमरे में, जितनी फीमेलों ने इन्होंने संभाल के रखी है उनसे मेरे से नहीं होता काम इतना घर पे जितना ये अकेले कर रहे हैं। हाँ जैसे डिवाइड कर दिया ना हर बंदे, अब जिसके घर में फीमेल प्रेग्नेंट होती है वही संभालता है, उसको एक डॉग संभालने से मतलब संभालता है। ब्रीडिंग में इतना आप नहीं 10-15-20 से 25 डॉग नहीं रख सकते नहीं आप रख सकते। ठीक है दोस्तों ये सारा ये बुलेट से स्टार्ट होती है कहानी, बुलेट ने इनको मशहूर किया राजनदीप को। और ये कौन सा भैया? ये है जी अल्बर्ट। अल्बर्ट ये डायमंड का सन है, वाइट डायमंड। भैया आपका नाम क्या है? आकाश जी। ये आकाश जी, ये आकाशदीप सिंह ढिल्लो, ये तरनतारन से हमारे फ्रेंड है जी। हाँ जी ये स्पेशल आए हैं। हाँ ये अब इनकी इस डॉग की आपकी जिम्मेवारी है ना, ये आप ही इसको केयर करते हो, सारा कुछ आप ही करते हो, ऊपर नाम राजनदीप का चलता है, अगर कोई भी बिजनेस डील करनी हो तो राजनदीप आ जाता है। भैया आपका नाम? मेरा नाम हरमनप्रीत है। हरमनप्रीत जी ये डॉग
गए हम, जो मुझे दादी जी ने दिया है सुमित सिंह के आंगन से। अच्छा, ये आपको दिया है? ठीक है। अंपायर का बच्चा है, उसका ये अंपायर का बच्चा है। ठीक है, तो आपने राजनदीप को कोई पैसा दिया था जब इन्होंने रखवाया था? ठीक है, जो इसके बच्चे आते हैं वो उसमें से शेयर हो जाता है। ठीक है, और भैया आपके पास कौन सा है, आपका नाम क्या? वैसे पहलवान, आपका नाम भी पहलवान है? चलो ठीक है। और ये पहलवान को दिया छुटकू सा? फ्रेंच बुलडॉग? नहीं, अमेरिकन बुलिया, माइक्रो साइज। अच्छा, ये अमेरिकन बुलिया, साइज पूरा फ्रेंच बुलडॉग की तरह। ये माइक्रो साइज है, ये पापा मेरे। और इसकी जिम्मेवारी है पहलवान जी को, और जो पहलवानी के साथ अखाड़े भी साथ में जाता है। अच्छा, ये अखाड़े भी साथ ही जाता है साथ में? ठीक है। और ये अखाड़े में भी इसको भी डंड वगैरह लगवाते हो या नहीं? ठीक है जी। अच्छा जी, आपका क्या नाम है भैया? कुलदीप सिंह जी। आप भी इसी गांव के रहने वाले हो? दो फीमेल। ठीक है, आपके पास दो फीमेल हैं, क्या नाम है इन दोनों का? इसका नाम रोक्सी है, इसका नाम ब्लैक जी। ठीक है, और इंग्लिश बुलडॉग ही लिया, मतलब अमेरिकन बुली लिया आपने? ठीक है, और कोई ब्रीड अच्छी नहीं लगी आपको? ठीक है जी, आपके पास भैया इसका नाम बॉक्सर है? यार इस गांव में तो बॉक्सर भी मिल रहे हैं, पहलवान भी मिल रहे हैं। ये हमारे हैं जी सिमरजीत सिंह, जो बहुत हेल्प करते हैं ब्रीडी के अंदर हमारी। और ये आपके भाई भी हैं? हमारे भाई साहब हैं जी, मतलब इस गांव में ज्यादातर इनका हाथ है। इनका हाथ है इस गांव में, सभी को नशा लगाने के लिए, डॉग के लिए। इन्होंने डॉग का नशा सबको लगाया हुआ है। ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाना, जिसको करना है तो मेरी हवेली पे आओ, एक डॉग लेके जाओ, अपने घर पे पालो, आपको बाहर जाने का टाइम ही नहीं। ठीक है, ये एक्सेल है ना? एक्सेल साइज, एक्सेल है। ठीक है, ये कौन सा जी? एली। अच्छा, ये दोनों आपने खुद रखे हुए हैं घर में? ये डॉग दो इनके पास जी, ज्यादा हैं दो नहीं, इनके पास ज्यादा हैं। फीमेल तो ला दूंगा। ठीक है, आपका नाम भैया? राणा प्रताप जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बेटा है जी, प्लस वन में पढ़ रहे हो? ठीक है, ये गौरव जोन में भी आए थे आप? ठीक है, गौरव जोन आज ये वीडियो देखेगा खुश होगा। नहीं सर, आप देखो जैसे बोल रहे हैं लोग कि ये ब्रीड गर्म है या गुस्से वाली है, आप देख रहे हैं बच्चे कितने प्यार से रह रहे हैं इनके साथ। जो भी चीज़ को आप प्यार से रखोगे वो आपके साथ अच्छे से ही रहेगी। ठीक, आप देख रहे हैं जो भी बच्चा है वो भी बच्चा है, जो भी अभी बच्चा है टीनेजर हैं जे, और अच्छे से हैं, उन्होंने दो हैंडल कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं। कोई जे ब्रीड कोई भी डॉग है, अगर आप उसको प्यार दोगे तो प्यार ही मिलेगा। अगर एक डॉग गलत है, उसकी वजह से आप पोस्टर डालते हैं या लोग बोलते हैं यार सारी ब्रीड बहुत गलत गंदी है, ऐसे अग्रेसिव है, काटती है यार, वो पोस्टर पता कौन डालता है? वो जो डॉग को प्यार नहीं करते उन्हीं के कुत्ते उन्हीं को काटते हैं, बाद में वो पोस्ट डाल देते हैं। ट्रीट ही नहीं करना आता डॉग को, कैसे करते हैं? अब ये देखिए दोस्तों, हमने ये सभी ना खोल के भी बता देंगे आपको, और ये कोई एक दूसरे से लड़ते भी नहीं है, एक साथ हैं, कोई हाँ। को दिक्कत नहीं है, कोई भी करो, बच्चे आके रख दो, छोटे बच्चे कवर कर रहे हैं। और ये है फादर साहब, ये है इनके बेटे और ये हमारे बाबा जी। बाबा जी के पास चलते हैं अभी। बाबा जी, आपने ये बुल्ली को लिया, ये अच्छा लगता है आपको? ठीक है, इसका नाम क्या? वैसे पोलू है, क्या शिकार शिकूर के लिए लिया या वैसे ही घर में आता तो नहीं होगा आपके कोई भी? ठीक है, बाबा जी ने चार ये रखे हैं बुलटेर। ये है जी बुलटेर, पांच बुलटेर हैं, उसमें फीमेल कितनी है आपके पास? दो मेल है, और ये घर में ही रखा हुआ है। और राजनदीप इनके बच्चे बुच्चे सेल कर देता आपके? कोई पैसे कमा के देता है या ऐसे ही देता है? रोज कमाते हो पैसे आप? आपका नाम क्या वैसे? बलविंदर सिंह जी। ये बुलटेर वाले बलविंदर सिंह जी, ये आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो इनको। और ये है, अब ये देखिए, ये स्कूल में बच्चा पढ़ता है, कौन सी क्लास में बेटा? सेवन्थ क्लास में। और ये छोटू लिया आपने? ठीक है, ये बड़ा क्यों नहीं लिया? मस्कुलर, कोई अमेरिकन बुली, ये ठीक है? ठीक है, ये छोटू है फ्रेंच बुलडॉग। चीनी, इसका नाम चीनी है? तो लगता भी चीनी की तरह ही है, ये आँखें भी वैसी हैं इसकी, ये देखिए। और ये है इनकी शान, क्या नाम अभी है इसका? ये यूएसए से इम्पोर्ट है, ट्रिक्सी। ये देखिए दोस्तों, और ये हैं भैया हमारे, ये पहले भी वीडियो में आए थे। भैया आपका नाम क्या है? गुरविंदर सिंह जी। आपने ये रखा ट्रिक्सी, और ये फीमेल है? ठीक है, और आपका बिजनेस और भी है मैंने सुना, क्या बिजनेस है आपका? कार सेल परचेज का। ठीक है, वो भी शौक पूरा करते हैं, और घर के लिए डॉग भी है? ठीक है, और राजनदीप पूरी हेल्प करता है आपको? ठीक है राजनदीप, एक चीज़ और है, अब जैसे इनको कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे गांव में कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्या कोई आपने डॉक्टर भी वैसा रखा है? डॉक्टर हमारे साथ जी दो डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, एक का नाम है जी गगनदीप सिंह, गगन तुंग बोलते हैं उसको। ठीक है, वो भी वीडियो देखेगा तो खुश होगा, अभी इसने आज फिर हाँ
तो उसको हम जब भी फ़ोन करते हैं, बहुत हेल्प करता है उसको, जब भी फ़ोन करते हैं हम भी, हमारे डॉगों को प्रॉब्लम है वो घर पे आ जाता है, थोड़ी बात तो हम खुद भी कर लेते हैं, बाकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है तो ये बाबा जी हैं हमारे। हाँ, इनको तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी एक्सपीरियंस है डॉग के, तो इनको भी फ़ोन करते हैं, हाँ ये डॉग को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हेल्प कर देते हैं भी, हाँ ऐसा कर दो ऐसा कर दो, ये इंजेक्शन है ये, हमको डॉक्टर के पास ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम घर पे भी इनका थोड़ा। अब दोस्तों आपने मुझे ना कमेंट मेल भी आई थी जब मैंने इनका कैनल शूट किया, आप कैनल के अंदर की नहीं बनाते, अब मैं क्या बनाऊँ, अब मैं इनके गाँव में गया, हर बंदे ने एक एक दो दो डॉग रखा हुआ है इनसे लेकर, और वैसे ही खुला ही घूम रहा है, कोई खेतों में घूम रहा है, अब ये देखिए ये पूरा लगा हुआ लकड़ी से मजे लेने, और खुले घूम रहे हैं, अब कैनल है ही नहीं है किसी के पास, यहाँ पर प्रॉपर कैनल तो बनाया ही नहीं है किसी ने, प्रॉपर नहीं है हमारा ही है प्रॉपर, अभी हाँ। उसके साथ भैंस भी है इसलिए हम थोड़ा बना नहीं सकते, भैंसे हैं ये है वो सब, पर ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये है ना, देखो पूरा दिन पिंजरे में तो रखना नहीं इनको, हाँ, खुला ही रखो, छोड़ देते हैं दो चार घंटे घूमते रहते हैं इधर उधर, घूम के अपना टाइम पास बढ़िया कर लेते हैं, सिमरन जी साथ में इधर खेती का काम करते रहते हैं, पट्ठा पुट्ठा काटना होता काट लेते हैं, तो साथ में घूमते रहते हैं डॉग वगैरह। अब सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहोगे आप? सब्सक्राइबर को क्या कहना, यही अभी गौरव जो उनका आए थे हमारे पास, वो आए थे स्कूबर्स को देख के, स्कूबर्स की वीडियो देख के वो भी आए थे, हम थैंक्सफुल हैं स्कूबर्स की जी का, जिन्होंने हमको इतना मशहूर कर दिया कि दूर दूर से लोग फ़ोन करते हैं, भाई साहब ने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमको ये चाहिए वो चाहिए भी, क्या कैसे रखना है, बहुत प्यार। चलो ये सेल परचेज से हमको कुछ बचता नहीं है, कुछ नहीं होता, बस हमारा शौक पूरा होता है एक। हाँ, हर गांव में लड़के का शौक पूरा हो जाता है। इनका डेली का खर्चा ज्यादा नहीं, तो सब का मिला के 2-3 हज़ार का डेली का खर्चा है डॉग्स का, सुबह हाँ, शाम का मिला जो बांटा जाता है अपने आप घर में, देखो अब 5 रोटी बनती है तो 2 डॉग के लिए भी निकलती, डॉग की रोटी जो फीड है इनको, हाँ फीड देनी है, पेडागिरी है, रॉयल कैनल, अच्छा वो भी आप देते हो? वो भी देते हैं साथ में दही वगैरह भी इनको होता है, चलो जितनी हम हेल्प कर सकते हैं, कई बार किसी के पास नहीं होता इतना, जो जितनी हम हेल्प कर सकते हैं करते हैं सबकी, फिर दवाई इनकी दवाई भी होती है, इंजेक्शन लगने होते हैं इनको, हर हफ्ते में एक इंजेक्शन लगता है जब बच्चा छोटा होता है, उनके इंजेक्शन वगैरह लगाने होते हैं, सब कुछ करना पड़ता है इनका। आज मैं ना एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, शायद आज एक ऐसा मैं स्टेप ले रहा हूँ, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सोचना चाहिए कि इस बिज़नेस को वो कुछ नहीं समझती, वो इसको बिल्कुल कहती है ये बिज़नेस माना ही नहीं जाता, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पर आके देखना पड़ेगा कि इस बिज़नेस के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, और चलो किसी का ठीक है, अगर किसी का खर्चा अपने डॉग का निकलता ठीक है, कई तो काम ही यही कर रहे हैं, कई तो काम ही, ठीक है ना, उसको भी थोड़ा ग्राउंड लेवल पर आके सोचना चाहिए, क्योंकि वोटिंग आप करते हो शायद, वोटिंग सभी करते हैं ना यहाँ पर, सभी वोटिंग करते हैं और सभी टैक्स पे ही भी हैं, ठीक है, लेकिन इनको डॉग के प्रति मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या रूल बनाए हुए हैं, वो नए नए रूल निकाल देती है। केसीआई के जो शो होते हैं, देखो केसीआई के जो शो होते हैं उन्होंने अमेरिकन बोली बैन कर दिया है, भी ये अमेरिकन बोली डॉग्स है जो शो में नहीं आने देने, अग्रेसिव है, देखो आपको कोई अग्रेसिव लग रहा है कोई कुछ है तो दिखाओ, बल्टेर भी साथ में हमारा, फ्रेंच भी है, सब है, देखो आराम से बैठे हैं सब, कुछ नहीं होता, मस्ती कर रहे हैं सब। एक हमारा और है 8 तारीख को रामपुरा फूल बठिंडा में ABR का स्पेशल शो हो रहा है अमेरिकन बोली का, जिसके जज हैं जो अमेरिका से आ रहे हैं, ठीक है, वो भी अच्छा शो होगा, बहुत अच्छा शो होगा, उसमें सब अमेरिकन बोली आएंगे, ऑल इंडिया के नहीं बाहर से भी आएंगे, USA से भी उस शो में डॉग आ रहे हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं 8 तारीख को रामपुरा फूल बठिंडा उधर आके आप शो में देखना भी अमेरिकन बोली कैसे होते हैं, क्योंकि KCI वालों ने ये ब्रीड को बैन कर दिया, पता नहीं उनका क्या मोटिव है, या तो ये बहुत महंगे बिकते भी हैं, इनका रखने का खर्चा भी कुछ नहीं है, पता नहीं क्या मोटिव, उन्होंने शो में नहीं जाने दिया 2-3 शो में, उसके रिकॉर्डिंग हमने सब ने, हमारे भाई साहब हैं USA से गुरजंट सिंह जी, सब ने मिला के एक शो करवाया है ABR का जो बठिंडा में 8 तारीख को हो रहा है, ठीक है, चलो हम किसी को नहीं कहते, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि जो उसने रूल बनाए हुए इम्पोर्ट के मामले में, अगर इम्पोर्ट बंद की हुई है वो उसको एक बार फिर से सोचना पड़े कि उसको ग्राउंड लेवल पर आके देखना चाहिए कि जो इस बिजनेस में है वो आपको वोट करते हैं, ठीक है ना, इम्पोर्ट डॉग आ रहे हैं वो नेपाल के थ्रू आ रहे हैं, हाँ कितना खर्चा लगता है, खर्चा डबल हो गया, डबल, वही इनको दिल्ली में भी आने देने चाहिए, भी दिल्ली में आए अपने जो बिजनेस कर रहे हैं सबको करना चाहिए, ठीक है, और राजेंद्र जी हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में सोचे और आपके बिजनेस को और जो आप ये सोशल काम कर रहे हो, ठीक है, वो सबसे अच्छा हो जाए, ठीक है जी, ये कमाई तो चलो बाद की बात, एक शौक है सबका,
बाबा जी का देखो अपना इनका बिजनेस है, ठीक है, ओल्ड एज है, फिर भी इन्होंने 4-5 डॉग रखे हैं, 4-5 डॉग से कमाई तो चलो 6 महीने में एक बार आती है, जितना इनका डेली का खर्चा होता है ना 2 साल में भी नहीं पूरा होगा इनका जितना खर्चा हो जाता है। हाँ सही बात है, और सभी शो के लिए रखे हुए हैं, सारे अच्छे डॉग हैं। किसी दिन हम कोशिश करेंगे कोई गर्मियों का मौसम आए हम शाम को यहाँ पर आएँ और कम से कम भी 50 डॉग लेकर आए आपके, सभी गांव के वालों को इकट्ठे करके सभी को बाहर निकाल के डॉग निकाले, हम तो 100 इकट्ठे कर लेंगे, टाइम भी ठीक है नहीं ना होता। और यहाँ पर लोगों को बताएंगे भी 100-100 डॉग भी एक गांव में रहता है, अमेरिकन बुली ही रहता है। चलिए दोस्तों आगे एक एक डॉग आपको राजनदीप जी से दिखाएंगे, ठीक है जी, अभी बच्चों की वीडियो भी एक डाल देंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राजनदीप जी सिंह जी अमृतसर से, ठीक है जी, अभी बच्चों की वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, सी यू।